देखो यार, क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 को लेकर काफी ज्यादा हाइप है, क्योंकि यार इस एनिमे ने जो कांड किया है वो और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो सीजन 2 के बाद फैंस का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है क्लासरूम ऑफ द एलीट को लेकर, वो भी थोड़ा सा डाउन हो चुका है। क्योंकि यार जो सीजन 2 में हमें अनएक्सपेक्टेड लो टाइप एनिमेशन देखने को मिला था, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो उन्होंने गलती की है सीजन 2 में, अब दोबारा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो सीजन 2 में हमें लो एनिमेशन देखने को मिला था, अब सीजन 3 में ऐसा नहीं होगा। और ये सब कहा है खुद क्लासरूम ऑफ द एलीट के डायरेक्टर हिरोयुकि हाशिमोतोजी ने, जो रिसेंट एक इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज पर स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आज शॉकिंग न्यूज तब हमें मिला जब इस इंटरव्यू के कुछ दिन बाद हमें अनाउंसमेंट मिलता है कि जो क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 3 है वो डिले हो चुका है फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार गाइस, मैं आ चुका हूं एक और एनिमे अपडेट के साथ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के न्यू रिलीज डेट के बारे में, जो रिसेंटली हमें मिला है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि यार जो क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 3 है वो डिले हो चुका है फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन यार इस अनाउंसमेंट में हमें इसका रीजन नहीं बताया गया कि यार इसका क्या रीजन है। बस इतना कहा कि यार जो क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 3 है वो हमें विंटर 2024 से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके रीजन की, तो ऑब्वियसली पहला कारण तो यही है कि वो एनिमेशन पर ध्यान देने वाले हैं, जो ऑलरेडी मैं वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूं। और दूसरा कारण भी इसी से रिलेट करता है, वो ये कि शायद एनिमेशन स्टाफ में कुछ चेंजेस हो सकता है जो बाद में हमें अनाउंसमेंट किया जाएगा। और शायद यही रीजन है कि सीजन 3 को रिलीज करने में डिले किया जा रहा है इस 2023 में। तो देखते हैं कि एनिमेशन कितना अच्छा होने वाला है इस अपकमिंग सीजन 3 में। तो यार बात करते हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 के एपिसोड की। तो यार ऑब्वियसली सीजन 1 और सीजन 2 की तरह इसके भी 13 एपिसोड्स होने वाले हैं, जहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड होगा। और इस चीज को लेकर पहले भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जो बताता है कि क्लासरूम ऑफ द एलीट अपने विजन में बहुत ज्यादा क्लियर है, और जल्द ही क्लासरूम ऑफ द एलीट के सेकेंड ईयर को लेकर भी अनाउंसमेंट कर सकता है। और वैसे भी क्लासरूम ऑफ द एलीट के लाइट नॉवल में सेकेंड ईयर जल्दी एड होने वाला है। तो यार सोर्स ऑफ मटेरियल को लेकर तो प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बात रही सीजन 3 की, तो यार ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे सीजन 3 इस बार परफॉर्म करता है और कैसे फैंस को एंटरटेन करता है। तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है सीजन 3 को लेकर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। तो यार बस आज के लिए इतना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।